हेलो जी, राम राम सारा ने आशु कुंडू की। राम राम। देखो यो है, मैंने बताई दी थी आपते, मैं अपने घर आ रही हूँ राखी पे। और राखी पे निजामपुर गांव है जो बहादुरगढ़ के पास है और टीकरी बॉर्डर के पास, और एक साइड है दामडूली इलाका है, हरियाणा का बॉर्डर है यो। तो इसमें है अब तक कई बहन है आपानू नहीं कह दे हाँ कि भाई मैं आम तो हरियाणा जो कर रोहतक के पास टिटोली गांव तो मतलब मायू ससुराड़ा भाई रोहतक। और तो मन ना आड़ा इतना मतलब महसूस कराया हा कि यो महसूस है भाई देखो आड़ है ना इतनी गर्मी है जमा धाक गर्मी है कया नहीं करे आखर मानस का है मानस मानस का के डांगरा का भी जी लकड़न हो रहा है या गां बंदरी है और यो काटड़ा है भैंस है जो इनकी चरण जा रही है क्योंकि आड़ न्यार फूस खूब हो रहा है बरसात के कारण। आड़ खूब राम जी बरस रहा है जो जिसके खेत पड़े थे और जिसके मतलब मान ले प्लोट वलोट जो खाली छूट रह के फार्म फूरम है उड़ काफ़ी उसमें न्यार हो रहा है। ये चरा लिया हुआ है भैंसा ने, चरा कर लिया करे मेरा भाई है ना प्राइवेट नौकरी करे इतना पढ़ा लिखा को ना तो नौकरी मिले जब नौकरी भी कर ले है और अपने जब है ना काम ना हो तो अपने डांगर डूरा का काम कर ले भैंस वैसा का और भैंस वैसा ना चरा ले है। बाकी के है ना कोई वो नहीं है, ऊपर जो बन रहा है ऊपर आप देख सको हो, देखो वो दिख है मेरे भाई का एक शौक है बचपन से कबूतर का, कबूतरबाजी करे कबूतर रखा करे कबूतरा की ऊँड करा करे और कबूतर पाल रहा है। इधर होंगे कम से कम 200-250 कबूतर रखा है यो। इसमें देखो मेरे तो कुलड़ी में तो गुड़ फूटे को ना भाई है ना जाट जमींदार होगा कबूतर रखा है भाई अगले का शौक है अपने शौक में रख रहा है। बहुत लोग के बरा के शौक है आजकल तो दुनिया में से हो रहे हैं लोग कुत्ते भी पाल हैं कुत्ते के भी शौक हो रही हैं लोगों ने। शौक नहीं बेरा पट आदमी का कि किस चीज़ पर वो हो जावे ऐ भी हो जा भाई मत आ काम करना है किसी ने जो कर खेती खेती का काम करे हैं मान ले कोई और के मैं बिजनेस कर रहा है कोई और के मैं अपने शौक से ही कर रहा है। कई बहुत सही से ये इनकी भैंस हैं ये आ गई हैं दो भैंस हैं इधर है और एक है या झूठी पास असी टीका टकवाया ही नहीं करवाई है। और यो है भतीजा ये भतीजा मेरे भाई का दो लड़के हैं दोनों जोड़िया हुए थे दोनों एक से हैं एक का नाम बानिया है एक का नाम दोड़ा है पर इनके ओरिजिनल नाम है यश और नितेश यश एक का और एक का नितेश है। और तो यो इनका वो है पर है ना मैं न्यू कहूँ जुकर जिस तरह हम आए हैं ना मान ले हरियाणा में तो दिल्ली में एंट्री ली है दिल्ली में बड़े हाँ तो मैं यह बात कहूँ जब दिल्ली के बॉर्डर पे यो हाल है इतनी टूट के गर्मी हो रही है बात वा सब क्या है नहीं सारे माफ कर रहा है राम जी का तीसा हो रहा है कि जी लकड़ लकड़ जा है बंदा है ना मतलब एक सेकंड पंखे आग कूलर आग भी मतलब है ना पसीने टपल 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 हो रही है हवा का कोई झोंका नहीं आ रहा इतना मतलब गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी है मारा है ना जीना मुश्किल हो रहा डटा नहीं जा रहा। मैं मतलब ये बाड़ आके ईसा सोचू भाई सामने मतलब ईसा क्या होया अख जो इतना एकदम प्रकृति में मतलब वातावरण में इतना फर्क पड़ रहा है अख भाई हम आए हाँ या क्या करें मतलब आए राज्य होगा न्यू होगा न्यू होगा पर हमने आ काड़ा ईसा लग गया अख भाई हम है एक स्वर्ग न छोड़ कर कया नहीं कर एक स्वर्ग न छोड़ कर अरे एक है ना भट्ठी में आकर बढ़ के क्योंकि हरियाणा है जो स्वर्ग है एक किस्म का उड़ा है ना भले ही बरसात ना हुई हो पर इसी ठंडी ठंडी बाहर लकड़ती हवा चालनी खेता के सुतरे नजारे ठंडक सांझ होती है शिली शिली बाल चालनी डांगरा का बार बंधना रेत में बैठना ठीक इतना बढ़िया मनमोहक नज़ारा हुआ है शाम और सुबह के टाइम इतना वो हुआ है मैं तेनू कहूँ जुग जुग बना रो मेरा हरियाणा दिल्ली मैंने नहीं कहती दिल्ली के बारे में कि दिल्ली कुछ हो है दिल्ली रो मैं नहीं बात कोई वो नहीं है पर दिल्ली में इतना इतना मतलब पोल्यूशन इतनी गर्मी इतने राम जाने या एशिया की वजह तो हुई है किस चीज़ तो हुई है इस बात का मन नहीं बेरा पर इतनी गर्मी है डांगरा का पिंजर बांध रखा है और मानसा का तो कोई रुकण का काम कोन्या और न्यू कोन्या ये नई बात पढ़ रही है ना पर जो आदमी बाहर आवे है ना उस तो पूछ के देखो ये वहाँ बाहर था या हरियाणा में है दो दिन हुए हमने अड़ रुके दो दिन में हमारा हिस्सा हो रहा है अक हम है ना जो दूसरी दुनिया में तो आ गए हाँ और दूसरी दुनिया में आकर इस दुनिया में हम इसे आगे जो करते ज्वालामुखी पर उतरे आए हो ना तो हमने रात न चैन आ रहा ना हमने दिन में चैन आ रहा इतनी गर्मी है तीन वो हो रही है और छक्का राम जी बरस लिया छक्का है कया नहीं करे जिसमें छक्का आते ही राम जी बरस लिया फिर भी राम जी का इस पर तपती गर्मी पे ई पे पड़ी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है नुए वो हो रही है और कती ना सूरज है ना कती लगा लो आग परेशान लग रहा है और छक्का है ना ये मान ली ये गिरते हैं चटाई पटाई गिरते हैं डांगरा की गोट हो जावे आप देख सको क्यों जो सामी है सूरज का कती सीधा वो है
मान ले जो सूरज से ना जाती आना का जो पीछे 12 बजे पाछे वो है इनका मतलब पूर्व की कहना को ना जो सूरज छुपे है ना नुआन इनके पश्चिम कहना इनके मतलब सूरज का गेट का वो है मुँह है। तो इतनी गर्मी है अक भाई मैं फिर यह बात कहना चाहूँ हरियाणा वाले घने सुखी हो कति घने गंगा नारी हो कति जब मतलब अपने के पैसा के वो नू निकाह कर भाई दिल्ली में तो ये है दिल्ली में तो वो है दिल्ली में तो नू है भले ही दिल्ली में कितनी है सरकारी नौकरी हो भले ही दिल्ली में ना कितना है पैसा हो चाहे दिल्ली में ना कितने बढ़िया बढ़िया कोठी हो चाहे है ना दिल्ली है ना कति 80 रुपया की सोना चांदी की भरी हो पर है ना वह दिल्ली कुछ नहीं है जिस दिल्ली में एक दिन की भी सुख है आदमी बिना कूलर पंखे ऐसी अपनी जिंदगी नहीं जी सकता वो मर जा वो ऐसा हो जा पागल हो जा वह चीज किसे काम की नहीं वह सिर्फ मानसा का बनाया हुआ है कोई भगवान ने नहीं करे वो अक हरियाणा दिल्ली है अक ये इलाके भगवान ने बांटे गए थे इंसान ने इसे बना दिए हैं आज आड़ा इतनी सुख सुविधा के चक्कर में इतनी गर्मी करती है अब मानस का रहना दुभर हो रहा है और बड़े बुढ़ा का था बुझो है मना बड़े बुढ़ा की भी मैं अपने बताऊंगी देखियो मेरी माँ है मणि माँ के बारे में बताऊंगी मेरी माँ बताऊंगी आ रही माँ यह मेरी माँ है आए माँ सच्ची बताइए मैं कूलर नीचे मैं बैठ ली पंखा नीचे मैं बैठ ली एसी नीचे मैं बैठ ली मारी पसीना को ना सूखता ऐसा क्या जुलम हो रहा है हाड़ इतनी गर्मी है कति दूर अनुजे बेटा तू बता दे तन्ने के महसूस हो रहा हाड़ आकर के लग गया तन्ने साची बताइए मतलब अच्छा कूलर का भी मेरे बेटे ने कोई फायदा नहीं ला क्या अखनु का यो ताती मार है कूलर का भी कोई फायदा नहीं जिस साइड तक मैं सो रहा हूँ उस साइड तक कति तप्पण लाग रहा हूँ कति वो रहा है मतलब अनुजा हमने कोई गेयर कोट का आर्डर रखना चाह वो करना चाहू अपनी जिंदगी में एडजस्ट नहीं हो पावा ने या बताई है अनुज ने या बात बताई है हरियाणा में तो नीमा नीचे पेड़ा नीचे भी मतलब गाल लेते खाटे हैं और उड़े भी है ना मतलब इतनी सुतरी बाल चल रहा है अक मानस का ना चाहते चाहते भी ना नींद आ रही हो ना जब भी उड़े लोटा न जी कर जा अकल्या एक जोटा तो ले लू एक नींद की लुट लुटी तो ले लू और आड़े यो बंद मकान यो मकान मतलब या गर्मी दिल्ली की और माँ एक बात बता मेरी यह बात समझ में ना आती जब दिल्ली के बॉर्डर पे इतनी गर्मी है तब मैन दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है मैन दिल्ली है द्वारका है उड़ क्या हाल होता होगा माँ दिल्ली में मैन में यह गर्मी मन ऐसा लगा है अके घर में पाँच पाँच छह छह एसी लगाए गए है ना एशिया तो घनी गर्मी बनी है ना मतलब एक एक घर में छोटे बालक तो लेकर बड़े ती रसोई ती बाथरूम ती सब क्या है मेसी ठोक दे रे अक भाई एसी और भी नुकसान होया गर्मी में है ना और तो देखा जाए मेरे भाई के भी है ना गर्मी के कारण कई कबूतर भी काल माए कबूतर है ना कति गर्मी में आड़ फैल हो रहा जी तोड़ रहा मरिया पड़िया मतलब है ना जान मतलब जो पक्षी है जानवर है या गर्मी उन भी सेधन लाग रही है बेचारे कित जा है गर्मी की इतनी मार है बहुत घनी गर्मी की मार है इसमें अक भाई इतनी गर्मी पड़न लाग रही है आए माँ जमा ले कितना भी अनु तो जिक्र ऐसी इतने लाग रहे कितने पेड़ पौधे चे के मा लगा लो के मा कर लो है ना कुछ कोई फर्क नहीं पड़न है इसका मतलब तो है आए माँ इसका मतलब तो यो ये है अकबर गुजारे इसका मतलब तो यो ये है अक भाई कल ना आने वाले टाइम में जो जी साड़ रह रहा है तो रह रहा है बाहर का परिंदे का बसेरा होगा कौन है ना और देख लियो आड़े दिल्ली में और फैसिलिटी कितनी है फैसिलिटी दे लो गर्मी हो पाँच छह लोग इसने छोड़ छोड़ और बात जाएंगे हरियाणा के ना हरियाणा में भी गर्मी होने लग रही है हरियाणा में भी लोग ऐसे लगवाओ ही फिर बेटा वाद ऐसत कौन है जो आड़ है हाँ वाद ऐसत कौन है हरियाणा में वाद ऐसत कौन है माँ पर है ना बेरा भी है हरियाणा में के है एक काम और करे है
हरियाणा में ना लोग माले चुकर जमींदार आ खेती बाड़ी में काम करे है ना, उन्हें इतना टाइम को ना 24 घंटे एसी चलाए रखे है। वैसी माले लगवा भी लिया तो ना बंद कर दिया एसी, और ना इसी लाइट आती, यो भी बढ़िया है, लाइट भी ना आती इसी, अक भाई लगातार लाइट आवे 24 घंटे एसी चले जा है। लोग बागान है ना उन्हें इतना टाइम को ना इतने ठाली को ना एसी नीचे बैठ कर पड़कर अपनी जिंदगी के काचे काटेंगे। वो अपने खेत में काम धंधे में डांगर डोरा में अपने इन में लाग रही है, इनको आगरा माटी में माटी हो रहे हैं। अरे माउड़ बरसा को ना हरियाणा में अब की पीर के बार बरसात कती नहीं हुई, और बरसात नहीं हुई तो गर्मी को ना या गर्मी को ना मानस न मरण वाली गर्मी है। हरियाणा में तो थोड़ी थोड़ी चाल लाग रही, मीठी मीठी बाल सारी दही का लाग गया कर, कूलर के बाल लग गए ना, पेट का लाग जा, मुंह का लाग जा, जिसे पाया कहना लाग जी, पाया पसीना आ जा, जिस पाया का लाग जा तो मुंह पसीना आ जा। ना मगना बुरा हाल है, कसूता बुरा हाल है, हम ना तो माँ तड़के फैलिए टकट ताड़े तक भाग जाएंगे, हम नहीं डिटा करते, इतनी मुंडी गर्मी हो रही है, हाँ फैलिए गाड़ी तो भाग जाएंगे। अरीब कतिन्यू हो जाना माँ का आगे कदे गेड़ा लाग गा माले मेलन फेटन का कदे जी भी करा माँ भरे जाडे माँ आवागी कतिन्यू हो जाएगा ना। हाँ नवंबर दिसंबर में कई बार जाडे की छुट्टी पड़ जाया करे, 2-4 दिन की बड़का की मैं तो जब आऊंगी, मन ताक देख लिया अरे इतनी बूढ़ी गर्मी है। यो घर है और यो घर है ना चुकर मारा बनया है, यो मारा घर बनया है माले कई साल हो रही होंगे माँ इसने, इस घर ने 6-7 साल हो रही है। इससे पहले है ना हमारा एक पुराना मकान था जिसमें है ना हम रहा करते, जिसमें हमारा बचपन गुजरा बड़े बड़े यहाँ, और तब वो घर है ना माड़ बहुत कम रहा कर, माड़ जो रोटी पानी जो भी है माँ का खाना पीना जो भी कुछ है भाई आड़ करेगी माँ पर रवेगी उड़ेगी। वो घर भी माँ अपने है ना इस व्लॉग में जरूर दिखाऊंगी, वो दूसरा छोटा मन ले आना पड़ेगा बना के, उस घर का भी एक सीन मैं आपने जरूर दिखाऊंगी जो हमारे बचपन का घर था। यो है जो हमने 5-6 साल पहले बनाया है, यो मेरा भतीजा है जो मैंने है ना पायलट बनकर स्कूटी सिखावा था कल सन, अरे भतीजे ने मेरे साथ ही सी माड़ी करी, नोला बुआ बैठ ले स्कूटी पे, मैंने बोली मैं कहा भतीजे मैंने स्कूटी आती को ना, नोला बुआ सिखा दूंगा, माँ चलो भाई सिखा देगा, बालक है 17-18 साल का उम्र है इसकी, मकाले सिखा देगा। आगे बैठा के मेरे मटे ने क्या करा बैठा के मैं आगे नोला बुआ चला ले पाछे स्कूटी छोड़ दी रेस दे दी, ओ तरीका वो तो खंबा था गए खंबे गड़ गए मैं पड़ गई चोट लगी, खोआ है ना खोआ छुल गया पाक चोट लगी, कसूता भयंकर एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी टूट गई। अरे फिर जब कोई ना बेरा था तो टाल मार दे तू, ना बेरा था तो ना टाल मार दे, किसी ने कही थोड़ी थी तेरे से, देख रही मानियो का बुरा मानने की। अरे मैं एक बार भी नहीं बताई इसने मेरे तय अकबुआ मैंने स्कूटी चलानी को ना आती है, चल कोई ना यो मेरे भाई का घर है, यो दूसरा कमरा है, ये 2 कमरे हैं, या 1 रसोई है, और यो आड़े फ्रीज दरिया जिसने यो का आगरा बैठने का यो ब्रामडा।